राहुल गांधी ने आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाली। पार्टी के चुनाव अधिकारी एम रामचंद्र ने उन्हें यहां पार्टी मुख्यालय में एक समारोह आयोजित कर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का प्रमाण पत्र सौंपा। कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी के पदभार संभालने के लिए पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते देखे गए। वहीं हरियाणा प्रदेश के स्थानीय नेताओं ने भी राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के पदभार संभालने पर हरियाणा प्रदेश के स्थानीय नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। हिंदुस्तान के राजनीतिक तारीख में आज एक ऐसा सुनहरा दिन है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भार उन्होंने संभाला है और आप देख रहे हैं चारों तरफ उत्सव सा माहौल और विशेषकर युवा वर्ग में एक नए उत्साह का सृजन हुआ है, नई ऊर्जा उनको मिली। राहुल गांधी एक बदलाव की ओर न केवल कांग्रेस बल्कि इस देश को लेकर जाएंगे, इस आशा के साथ हम कांग्रेस जनों के साथ। देखिए राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी पर हरियाणा की कांग्रेस के अंदर क्या बदलाव होना है, इसको अध्यक्ष बनना है, इस बात का रेजोल्यूशन हरियाणा की कांग्रेस पहले ही पास कर चुकी है। और इसके राहुल गांधी जी के टेक ओवर होने के बाद जहाँ भी बदलाव की जरूरत होगी, जिस आज बहुत ही हर्षोल्लास का समय है, दिवाली का समय है, फाइनली संभाल ली है और हिंदुस्तान के नव सपने चाहते हैं और हिंदुस्तान राज्य में अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। आज सच्चाई की जीत हुई है और मुझे झूठ होती है, आज उनकी पतन शुरू हो गया है। आज से राहुल जी बल हुआ है, कांग्रेस सत्ता में है, पूरा देश सत्ता में है, हम सब को मुबारक है। उनको आज उन्होंने पूरे आज श्री राहुल गांधी जी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने पर मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राहुल जी के अध्यक्ष बनने पर आज युवा सोच का संचार हुआ है और पूरे भारत में सभी वर्ग, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी में ऊर्जा भरने के लिए राहुल जी काम करेंगे और देश को मजबूत करने की तरफ उनका ध्यान रहेगा। मेरी राहुल जी को अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ा खुशी का दिन है। मैं आज हरियाणा कृषक समाज की तरफ से हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, इससे आज हरियाणा का किसान खुश है, खुश दिखाई देता है। आज हरियाणा के युवाओं के चेहरे पर एक रौनक है कि हमारे जो युवाओं का भविष्य है, जो युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसान को अपना हक दिलाने के लिए आज हमारा राष्ट्रीय जो नेता है और आदरणीय राहुल गांधी जी आज कार्यभार संभालेंगे, हमारे बड़े खुशी के लायक हैं। और हम शुभकामनाएं देते हैं हरियाणा कृषक समाज की तरफ से कि आदरणीय राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी लड़ाई लड़े और भारत का और हरियाणा का अधिकार दिलाए, किसान का अधिकार दिलाए, व्यापारी का अधिकार दिलाए, युवा का अधिकार दिलाए, कर्मचारी का अधिकार दिलाए और पूरे देश में अखंडता को बनाए रखे। हम शुभकामनाएं देते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी।